हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, आज इस क्लास में मैं एक ही वीडियो में अभी तक फेज वन और फेज टू में जितने भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, ठीक है? तो सभी आप लोग तैयार रहिए और आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जब भी आप लोगों का पेपर है फेज थ्री में, फेज फोर में, तो जाने से पहले एक बार आप लोग जरूर देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन होता है। चलिए, तो थोड़ी सी चीज में और बता देता हूँ। आप लोगों को पता है डेली साइंस के 1000 MCQ करवाता हूँ मैं, बिल्कुल फ्री क्लास होती है ये अकेडमी पे, जरूर इसको अटेम्प्ट करा करो। डेली 1 PM पे होता है साइंस के 1000 MCQ, हम लोग करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को देखो, यहाँ से सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं आप लोगों के, आपको यहाँ पर रैंक भी मिलेगी। तो अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर ले, स्पेशल क्लासेज में आप लोग सी और करोगे सारी क्लास दिख जाएगी। तो दोस्तों, गोल सेलेक्ट कर ले एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेस के सेक्शन मिल जाएगा। जो भी क्लास आप लोग खोलो, आप लोगों से एक बार कोड पूछा जाता है। अगर आप लोग एक नए यूजर हो तो कोड में आप लोग डाल दीजिए नीरज 11, अनलॉक कर दीजिए, आ जाएगा ऑसम, यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान। समझ गए ये? तो बात करते हैं फर्स्ट, मतलब हम लोग बात करें फेज वन और फेज टू के सभी क्वेश्चंस में आप लोगों को एक जगह करवा रहा हूं, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, ये 28 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, 28 से, कि ध्वनि तरंगे किससे गुजर नहीं सकती। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो ध्वनि तरंग है वो एक प्रकार की कैसी तरंग होती है? मैकेनिकल वेव होती है, यानी यांत्रिक तरंग होती है। और यांत्रिक तरंग को आगे चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, कुछ भी हो। वैक्यूम हुआ तो वहां पर ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम, जिसको हम लोग हिंदी में निर्वात भी बोलते हैं। क्या गया साउंड? ओ ओके, ठीक है दोस्तों, अब साउंड प्रॉपर आ जाएगा। आई एम सॉरी। चलिए, आई होप अब साउंड आपको प्रॉपर आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर होगा। तो आप लोग जानते हैं द्रव्यमान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, चंद्रमा पर जो भार होता है वो 1/6 हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो वस्तु का द्रव्यमान अगर 60 किलोग्राम था तो चंद्रमा पर भी कितना रहेगा? 60 किलोग्राम रहेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि सेरीकल्चर क्या होता है। क्या पूछा गया कि सेरीकल्चर क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो रेशम के कीड़ों का पालन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। और आप लोगों से दोस्तों एपीकल्चर भी पूछा गया था, तो एपीकल्चर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन से रिलेटेड क्या हो जाएगा आप लोगों का? एपीकल्चर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, पदार्थ की मात्रा, ये किसमें मापी जाती है? तो आप लोग सभी जानते हैं हमारे पास में 7 फंडामेंटल यूनिट होती है। कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो इधर आओ, तो आपके पास में दोस्तों 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने में यूज होती है। कहने का मतलब है दोस्तों, आप लोग समय को मापते हो सेकंड में, लेंथ को नापते हो मीटर में, द्रव्यमान को मापते हो किलोग्राम में, इलेक्ट्रिक करंट को मापते हो एम्पियर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी तापमान को आप लोग मापते हो केल्विन में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी जो पदार्थ का परिमाण है या पदार्थ की मात्रा है वो किसमें मापी जाती है? दोस्तों मोल में भी जाती है, ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है। 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों टीबी की, तो ये आप लोगों के बैक्टीरिया से होता है। कोलेरा, ये भी आप लोगों के बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। मलेरिया की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यह आप लोगों के प्लाज्मोडियम से होता है। किससे?
प्लाज्मोडियम से होता है, और प्लाज्मोडियम क्या होता है, यह बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का प्रोटोजोवा होता है। तो ध्यान रखेंगे मलेरिया आप लोगों का प्रोटोजोवा से होता है, लेकिन आप लोगों से वायरस से होने वाला रोग पूछा था, तो वायरस से आप लोगों का दोस्तों चिकन पॉक्स होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों से पूछे कि चिकन पॉक्स कौन से वायरस से होता है, इसके वायरस का नाम तो बताओ, तो दोस्तों इसके वायरस का नाम होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। इस वायरस की वजह से आप लोगों को चिकन पॉक्स होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों से पूछा गया कि जो द्रव्यमान है वो किस प्रकार की राशि है, सदिश है या अदिश है। आप लोग सभी जानते हो ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये पेन 1 किलो का है, तो मुझे बताने की ज़रूरत है कि वहाँ पर 1 किलो है, यहाँ पर 1 किलो है, यहाँ पर, आपको दिशा की ज़रूरत नहीं है ना। इसलिए जो आपका द्रव्यमान होता है वो एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्वेश्चन में पूछा गया था मानव में निषेचन क्रिया क्या होती है। तो निषेचन क्रिया होती क्या है, जब स्पर्म यानी शुक्राणु, जब स्पर्म और दोस्तों एग मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो ये प्रक्रिया कहां पर होती है, तो ये आप लोगों को मैंने इमेज दिखाई है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों यहां पर होता है ओवेरी अंडाशय, जहां से किसका निर्माण होता है, अंडों का निर्माण होता है। और दोस्तों स्पर्म और जो एग मिलता है वो कहां पर मिलता है, ये आपके फर्टिलाइजेशन, ये आप लोगों के फेलोपियन ट्यूब में मिलता है, और यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि फर्टिलाइजेशन निषेचन कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया कि जो न्यूरोलॉजी है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए थे, हार्ट दिया हुआ था, किडनी दिए हुए थे, लंग्स दिया था, एक आप लोगों का दोस्तों ब्रेन दिया हुआ था। तो न्यूरोलॉजी किससे रिलेटेड हो जाएगा, आप लोगों के ब्रेन से, मस्तिष्क से रिलेटेड हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कार्डियोलॉजी आपके हार्ट से रिलेटेड होता है, नेफ्रोलॉजी आपके किडनी से रिलेटेड होता है, सिमिलरली न्यूरोलॉजी आप लोगों के ब्रेन यानी मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलोगे। तो दोस्तों ये बोला जाता है सीपीयू को। किसको बोला जाता है, सीपीयू को। कल एक क्वेश्चन आया, परसों एक क्वेश्चन और आया कि सीपीयू के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक आपका CU यानी कंट्रोल यूनिट, और एक मेमोरी यूनिट। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ URL। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगी दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, जिनकी पूरी चीज मैंने लिखी है, ये आप लोगों से पूछी जा सकती है। जैसे ये आप लोगों से पूछा जा चुका है HTTP, तो ये आपका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों DBMS भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और मॉडेम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये तीनों आप लोग याद रखिए, बाकी मैं और आगे बताते जाऊंगा, टेंशन आप लोग ना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि जो लाइट ईयर है वो किसकी यूनिट है, किसका मात्रक है, किसको मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो दोस्तों ये दूरी का मात्रक होता है, डिस्टेंस का। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। और एक लाइट ईयर में दोस्तों 9.45 × 10^15 होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए और सेशन को लाइक करते रहिए दोस्तों। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया यूरिया का फॉर्मूला क्या है, यूरिया का सूत्र क्या है। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों से आपका होता है NH2CONH2,
और अगर आप लोगों से कोई पूछे कि यूरिया का निर्माण कहां पर होता है हमारी बॉडी में, तो दोस्तों यह होता है आप लोगों के लीवर में, यकृत में। और दोस्तों इस यूरिया, ये जो यूरिया निर्माण कहां पर होता है लीवर में, और ये कहां पर मिल जाता है दोस्तों, ब्लड में। अगर आप लोगों से पूछे कि ब्लड में से यूरिया को अलग कौन करता है, तो यह काम करता है किडनी। तो ब्लड से यूरिया को अलग कौन करता है, ब्लड से यूरिया को अलग कौन करता है, यह भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, किडनी करती है, आपके वृक्क करते हैं, आपके गुर्दे करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया डिस्कवरी ऑफ एटम, यानी परमाणु की खोज किसने करी। तो परमाणु की खोज दोस्तों किसने करी, जॉन डॉल्टन ने। किसने करी, जॉन डॉल्टन ने करी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों से पूछा गया लाफिंग गैस कौन सी होती है, तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं, जिसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया कि चार आप लोगों को ऑप्शंस दिए हुए थे कि इनमें से सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जांपल कौन सा है। दोस्तों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, दो स्पीसीज का ऐसा रिलेशन जिसमें एटलीस्ट एक स्पीसीज को क्या मिले, फायदा मिले। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आप लोगों का लाइकेन, ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछे लाइकेन किससे मिलके बनता है, तो दोस्तों फंगस प्लस एल्गी, ठीक है, यानी कवक और शैवाल, कवक एवं शैवाल। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया कि इनमें से कौन सा मृतजीवी है, कौन सा सैप्रोफाइट है। अब मृतजीवी होता क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे एक आप लोगों का न्यूट्रिशन का टाइप होता है। जैसे एक तो आपका ऑटोट्रॉफिक होता है ना, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वयंपोषी, यानी जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स प्लांट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वयंपोषी। सिमिलरली दोस्तों एक प्रकार का पोषण और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण, क्लियर। तो यह क्या होता है दोस्तों, ये आप लोग जिसमें मरे हुए पौधे, जानवर या अन्य दूसरे डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक तत्व द्वारा कुछ जीव अपना खाना बनाते हैं, यानी अगर कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दोस्तों डेड प्लांट पे या किसी मृत जीव पे डिपेंड करते हैं, तो ऐसे पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी पोषण बोलते हैं। और दोस्तों जो जीव इस प्रक्रिया से अपना खाना बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट। तो आप लोगों से यही पूछा गया था इनमें से सैप्रोफाइट कौन सा है, तो इसके दो एग्जांपल याद रखिए दोस्तों, यीस्ट यानी खमीर और मशरूम, इसके दो एग्जांपल आप लोग याद रखिए। शायद यीस्ट आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ था, तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया कि सेब में होने वाला डिजीज कौन सी है, सेब में होने वाला रोग कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोगों को ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, एप्पल स्कैब दिया हुआ था, क्लियर है क्या। और आप लोग एक और ध्यान रखिए, एप्पल रिंग रोट है ना, ये भी होती है एप्पल रिंग रोट, तो दोनों डिजीज आप लोग ध्यान रखिए पूछा जा सकता है। ये आप लोगों के किस में होती है, एप्पल में होती है। एक और ध्यान रख लीजिए दोस्तों, कैंकर भी किस में होती है, आप लोगों के एप्पल में होती है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी डिजीज एप्पल में होती है, तो ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया इनमें से कौन सा अंग रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, मतलब आपके बॉडी में रक्त को फ्लो कराने में, सर्कुलेट कराने में किस ऑर्गन का हिस्सा नहीं है। तो आपका हार्ट ये काम करता है क्या, हार्ट तो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो दोस्तों जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत, क्या ये आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है क्या, नहीं। तो किसका हिस्सा होता है दोस्तों, यह है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी यह तो पाचन तंत्र का आप लोगों के भाग है। किसका, पाचन तंत्र का, ना कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। चलो आगे हम लोग बात करते हैं लाइकेन किस प्रदूषक का सूचक है, मतलब लाइकेन से आप लोग क्या पता लगा सकते हो। तो दोस्तों लाइकेन जो आपका होता है, ऑप्शन में दोस्तों नाइट्रोजन नहीं दिया हुआ था, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। तो किस प्रकार से यह सल्फर डाइऑक्साइड के
बारे में बताएगा, आइए देखते हैं। तो लाइकेन आर रिगार्डेड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। Their presence indicates the absence of pollution in an area. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो lichen है किसके प्रति sensitive होते हैं, sulfur dioxide के। तो जहां पर sulfur dioxide का amount ज्यादा है वहां पर lichen grow नहीं करते, और अगर कहीं पर lichen का amount बहुत ज्यादा है तो आप लोग बोलेंगे कि यहां पर pollution का amount कम है। तो lichen किस चीज को indicate करता है, उसकी उपस्थिति के कारण। अगर उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, उसका amount बहुत ज्यादा है लाइकेन का, इसका मतलब वहां पर पॉल्यूशन बहुत कम है। तो कौन से पॉल्यूशन के बारे में बता रहा है, ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बता रहा है। चले आगे। और लाइकेन क्या होता है दोस्तों, यह है एक प्रकार का प्लांट होता है, एक प्रकार का पौधा होता है। कहां पर पाया जाता है दोस्तों, जल में पाया जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग बात, अच्छा नहीं, जल में नहीं पाया जाता है ना। चलो आप लोग बस इतना ध्यान रखिए, ये आप लोगों का एक प्रकार का पौधा है। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों से पूछा गया कि सापेक्षता सिद्धांत किसने दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी। तो दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। इन्होंने क्या बोला कि जब भी किसी मास का लॉस होगा, द्रव्यमान की हानि होगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इन्होंने इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक इक्वेशन से बताया जिसका नाम होता है आइंस्टीन इक्वेशन। तो ये होती है ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी दोस्तों, आइंस्टीन ने दी। चले आगे। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों से पूछा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोला जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है दोस्तों कार्ल लिनियस को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करा था वो कार्ल लिनियस ने ही करा था, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय, यानी पित्त रस का निर्माण कहाँ से होता है। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, लीवर से होता है। और अगर आप लोगों से पूछे इसका स्टोरेज कहाँ पर होता है, तो स्टोरेज होता है दोस्तों गॉल ब्लैडर में, यानी पित्ताशय में इसका होता है स्टोरेज। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया चूने के पानी का सूत्र क्या होगा, लाइम वाटर का आप लोगों से फॉर्मूला पूछा गया था। तो दोस्तों जो आपका लाइम होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जब आप लोग इसमें पानी डालते हो तो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चूने का पानी बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं। चले आगे। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स आते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों से पूछा गया सर्वग्राही रक्त समूह कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से रक्त ले सकता है। तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों ए बी पॉजिटिव। अगर आप लोगों से पूछे ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा, तो यूनिवर्सल डोनर होगा आप लोगों का ओ नेगेटिव। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी करी। तो रॉबर्ट हुक ने दोस्तों डिस्कवरी करी सेल की, यानी कोशिका की। और ये जो सेल उन्होंने डिस्कवर करी थी वो कैसी सेल थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे, वो एक डेड सेल थी, यानी एक मृत कोशिका थी। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी, बताइए लिविंग सेल की डिस्कवरी, तो दोस्तों ये ल्यूवेन हॉक ने करी। किसने करी, एंटोनी ल्यूवेन हॉक। तो आप लोग ल्यूवेन हॉक नाम याद रख लीजिए, ठीक है। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी, ल्यूवेन हॉक ने करी। और रॉबर्ट हुक ने किसकी करी दोस्तों, डेड सेल की। अगर आप लोगों से सिंपली पूछे सेल की डिस्कवरी किसने करी, तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों इन्होंने ही करी थी। चले आगे। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों से पूछा जाता है HTTP की फुल फॉर्म। तो अभी मैंने पहले बता दिया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी HTTP की। चले आगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। आप लोगों से पूछा गया कि 2018 का जो एनवायरमेंट डे है, यानी पर्यावरण दिवस है, इसकी थीम क्या है।
तो अगर हम लोग बात करें इसकी थीम की, तो दोस्तों इसकी थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब देखिए 2018 की पूछी तो 2019 की भी पूछ सकता है, तो यह तो आप लोगों की हो गई किसकी, 2018 की थीम। अगर बात करें 2019 की, तो 2019 की जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, वो है बीट एयर पॉल्यूशन। अगर बात करें 2020 की, पूछी जा सकती है दोस्तों, तो 2020 की जो है वो आप लोगों का हो जाएगा टाइम फॉर नेचर, ये थीम हो जाएगी 2020 की। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे 5 जून को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी के सही आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, फुल फॉर्म ऑफ ALT जरा मुझे बताइए बिना देखे, क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस। तो ALT की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों आपकी अल्टरनेट एलेनिन ट्रांसमिनेज, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट में, क्वेश्चन में पूछा गया विच इज नॉट ए टाइगर रिजर्व, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है, तो दोस्तों इसके अभी मेरे को ऑप्शन याद नहीं है, तो आप देख लेना मतलब है ना क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो एक बार टाइगर रिजर्व वाले क्वेश्चन देख के जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो आप लोग सभी को पता है बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, और विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है आपका, थायमीन होता है, तो इसी की कमी से दोस्तों आपका बेरी बेरी रोग होता है। चलिए आगे आप लोग बात करते हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए थे कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है, तो आइए सभी बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग को मैं एक साथ आपको बता देता हूं। दोस्तों ध्यान रखेंगे कॉलेरा आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफॉइड आपके बैक्टीरिया से होता है, आपका जो लेप्रोसी होता है जिसको हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं, ये भी बैक्टीरिया से होता है। टीबी भी आपके बैक्टीरिया से होता है, टीटनेस भी बैक्टीरिया से होता है, प्लेग भी बैक्टीरिया से होता है, होपिंग कफ भी बैक्टीरिया से होता है, और आपके निमोनिया भी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि मायोपिया में यानी दोस्तों निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का यूज करा जाता है, तो मायोपिया में होता क्या है दोस्तों, निकट की वस्तुएं तो आप लोगों को क्या दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, और दूर की वस्तुएं आपको साफ नहीं दिखाई देती, तो प्रॉब्लम क्या है ये आप लोगों की दोस्तों ह्यूमन आई है, यहाँ पर होता है रेटिना, और यहाँ पर क्या होता है आपके लेंस होता है, तो जो भी प्रकाश की किरण आती है ये लेंस क्या करता है इनको कन्वर्ट कर देता है, कहाँ पर मिला देता है दोस्तों आपके रेटिना पर मिला देता है, लेकिन जिनको निकट दृष्टि दोष होता है उसमें इमेज पहले ही बन जाती है, ठीक है। तो क्यों बन रही है, क्योंकि जो लेंस है आपका नेचुरल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, हो सकता है इसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो, तो दोस्तों यहीं पर कर दिया, तो अगर आप लोगों ने एक और कॉन्वेक्स लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, पहले ही ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, कॉनकेव लगाना पड़ेगा। कॉनकेव क्या करेगा, इसमें जो भी प्रकाश की किरण आएगी ये इसको डाइवर्ट कर देगा थोड़ा, अब ये कन्वर्ज भी करेगा तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो कौन सा लगाया जाता है दोस्तों, कॉनकेव लगाया जाता है, अवतल लगाया जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया थोड़ा सा इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, बोला जा रहा है कि दोस्तों 1/4 ओम के आपके पास में कितने रेजिस्टेंस है, 4 प्रतिरोध है, 1/4 ओम के आपके पास में 4 प्रतिरोध है, आप लोगों को इनको कुछ जोड़ना है, तो आप लोग किस प्रकार से जोड़े कि जिससे आप लोगों को मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले, प्रतिरोध अधिकतम मिले, या तो आप लोग सीरीज में जोड़ो, या आप लोग यानी श्रेणी में जोड़ो, या समांतर में जोड़ो, अधिकतम प्रतिरोध कितना आ सकता है आप लोग मुझे वो बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि अगर मैं चारों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दूँ, एक श्रेणी क्रम में जोड़ दूँ, तो दोस्तों प्रतिरोध सबसे ज़्यादा आता है, क्यों आता है, क्योंकि जब 4 रेजिस्टेंस मान लो R1 R2 R3 R4 इनको सीरीज में जोड़ोगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इन सबको ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो पहला प्रतिरोध कितने का था, 1/4 ओम, दूसरा 1/4, तीसरा 1/4, चौथा 1/4, तो 1/4 आपके कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, टोटल आपका 1 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया,
नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, तो आइए हम लोग समझते हैं ये ब्रायोफाइटा होता क्या है। दोस्तों जितने भी प्लांट है आप लोग इनको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, जिनमें बीज नहीं होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगेमिया, ये काफ़ी अनडेवलप्ड प्लांट्स होते हैं, और एक होते हैं आपके फेनेरोगेमिया जिनमें बीज पाए जाते हैं और ये आपके काफ़ी डेवलप्ड होते हैं। दोस्तों क्रिप्टोगेमिया भी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा, एक होता है टेरिफ फाइटा। तो क्वेश्चन में ब्रायोफाइटा के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले मैं आपको थैलोफाइटा की बात बताऊं, तो थैलोफाइटा क्या होता है दोस्तों, ना ही इनमें तना होता है, ना ही पत्तियां होती, ना ही जड़ होती, जबकि ब्रायोफाइटा में क्या होता है दोस्तों, पहली बात ध्यान रखेंगे इनको हम लोग प्लांट किंगडम का पादप जगत का उभयचर भी बोलते हैं। उभयचर का मतलब होता है दोस्तों एम्फीबियन, यानी ये ऐसे पौधे हैं जो जल में भी रहते हैं और दोस्तों जमीन पे भी रहते हैं। पहली बात क्लियर है, ठीक है। और दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल है तो मोइजेज, लीवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट और आपका स्फेग्नम। तो आप लोगों को इनमें से एक दिया हुआ था, पूछा गया था इनमें से कौन सा ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, तो ये चारों आप लोग एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, लेमन जूस का पीएच पूछा, नींबू के रस का पीएच, तो नींबू के रस का जो पीएच होता है दोस्तों वो 2.3 से 2.5 के बीच में होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, और दोस्तों ये क्वेश्चन जिसको नहीं आता होगा ना वो इजीली कर सकता है, क्योंकि दोस्तों एक ऑप्शन आई थिंक दिया हुआ था 2.5, एक दिया हुआ था 7, एक दिया हुआ था 10, एक दिया हुआ था 12। आपको ये तो पता ही है ल्यूमन, ये आपका जो लेमन जूस होता है खट्टा होता है, मतलब एसिड क्या होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं ना, तो पीएच आपका 7 से कम होना चाहिए था। दोस्तों ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, केवल एक ही ऑप्शन बचा था, तो आप लोग इजीली इसको कर सकते थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों कहां पर है, उत्तराखंड में है, ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा उपधातु है, कौन सा मेटलॉइड है, तो दोस्तों जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो या तो मेटल होता है या नॉन मेटल होता है या मेटलॉइड होता है। तो मेटलॉइड क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों की जैसे होती है। तो इनमें से मेटलॉइड कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सिलिकॉन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए समझे, ये पीरियोडिक टेबल है तो यहां पर आप लोग देख रहे हो ये जो एलिमेंट्स है येल्लो वाले, ये सारे के सारे मेटलॉइड है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मेटल की जैसे भी होती है, नॉन मेटल की जैसे भी होती है। तो इसमें आप लोग ये सिलिकॉन देख पा रहे हो, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन आपका क्या होता है दोस्तों, एक आपका मेटल होता है, सॉरी आपका मेटलॉइड होता है, उपधातु होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है, दोस्तों आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है इसको हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट, पर्यावरण। इस एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आप लोगों का बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक घटक, और एक आपका होता है एबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक घटक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो दोस्तों जिनमें लाइफ होती है वो आपके बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे बात करें प्लांट्स की, बात करें दोस्तों एनिमल्स की। अगर हम लोग बात करें एबायोटिक, जिनमें कोई भी लाइफ नहीं होती, जैसे सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें, वाटर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सनलाइट की अगर बात करें, पत्थर की बात करें, तो ये सारे के सारे एबायोटिक है। तो कौन सा एबायोटिक नहीं है, प्लांट आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, एक जैविक घटक होता है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये किससे कंट्रोल होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कई आप लोगों ने गर्म चीज़ पर हाथ लगा दिया तो तुरंत आप लोग हाथ हटा लेते ना, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये किससे कंट्रोल होती है, तो दोस्तों ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होती है। किससे होती है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरुरज्जू, तो ये आपके मेरुरज्जू से कंट्रोल होती है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, देखो बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका जो किलोबाइट है यानी KB, इसमें कितने आपके बाइट है, 1024 बाइट है, कितने 1024 बाइट आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, इनमें से कौन सा प्राणी जगत का नहीं है, एनिमल किंगडम का कौन सा नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप लोग जानते हो ना टोटल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम लोग 5 किंगडम में बांटते हैं। 5 किंगडम कौन कौन से हैं,
आप लोगों का मोनेरा, आप लोगों का दोस्तों प्रोटेस्टा है ना, एनिमल, तो पूछा गया एनिमल किंगडम का कौन सा नहीं है, तो जैसे आप लोगों के मगरमच्छ, शेर वगैरह, ये तो सारे के सारे एनिमल किंगडम में, आप लोगों के हाइड्रा हो गया, अगर मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों ऑक्टोपस हो गया, ये सारे के सारे एनिमल किंगडम में क्या में बिलोंग करते हैं सारे जानवर। तो पूछा गया था इनमें से कौन सा एनिमल किंगडम नहीं है, तो वो आप लोग इजीली देख सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया निपा वायरस, तो पूछा गया था निपा वायरस जो है वो कौन से राज्य में फैला, तो दोस्तों ये आप लोगों के केरल राज्य में फैला था, कौन से राज्य में, केरल राज्य में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो निपा वायरस है ये किससे फैलता है दोस्तों, चमगादड़ से फैलता है, किससे, चमगादड़ से। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोगों से पूछा गया फॉर्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का सूत्र आपको बताना है, तो मीथेन का सूत्र होता है दोस्तों CH4। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन में पूछा गया चूने के पानी का रंग धुंधला किस वजह से होता है, बताइए चूने के पानी का रंग जो धुंधला होता है वो किस वजह से होता है, तो देखो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है जब आप लोग इसमें पानी डालेंगे तो क्या बनता है, यह बनता है आप लोगों का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है क्या, और जब आप लोग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कराएंगे तो क्या बनता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखेंगे जो चूने के पानी का रंग दुधिया होता है वो किसकी वजह से होता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से होता है, तो चूने के पानी का रंग दुधिया किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोशिका की खोज किसने करी, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, तो ये आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट हुक, किसने करी, रॉबर्ट हुक ने करी। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की यानी बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आप लोगों का, हो जाएगा दोस्तों न्यूटन। अगर आप लोगों से बात करें कि सीजीएस मात्रक कौन सा होगा, तो सीजीएस मात्रक भी ध्यान रखें दोस्तों, सीजीएस मात्रक होता है आपका डाइन, और दोनों में क्या संबंध होता है, एक न्यूटन में 100,000 डाइन होते हैं, यानी 10^5 डाइन होते हैं। चले आगे, चलिए नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया कि दोस्तों एंटोमोलॉजी आप लोगों के रिलेटेड है किसके साथ में, इंसेक्ट्स के साथ में, तो जो एथिमोलॉजी होगी वो किसके साथ में रिलेटेड होगी, बताओ दोस्तों क्या आंसर होगा। तो आप लोग सभी जानते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट यानी आपके दोस्तों कीटों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है आपके एंटोमोलॉजी। आप लोग की एथिमोलॉजी क्या हो जाएगी, तो एथिमोलॉजी होता है दोस्तों द स्टडी ऑफ ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, मतलब जो शब्द होते हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका पीछे की क्या हिस्ट्री थी, तो उसकी जो स्टडी कहलाती है वो आपकी कहलाती है एथिमोलॉजी, या फिर आप लोग एटिमोलॉजी बोल सकते हो, जैसे भी आप लोग प्रोनाउंसिएशन इसको करें। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया दोस्तों साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना यानी केले का वैज्ञानिक नाम आप लोगों से पूछा गया, तो अगर हम लोग बात करें केले की, बनाना की, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है म्यूसा पाराडिसिकम, क्या होता है दोस्तों, म्यूसा पाराडिसिकम इसका साइंटिफिक नेम होता है। और अभी मतलब 2-4 दिन पहले उसका पूछा गया था वीट का, गेहूं का है ना, सर आपके 1 बजे क्लास बहुत बेनिफिशियल साइंस क्लास के लिए, हाँ जी आप लोग उसको मिस ना करें, देखिए जो अनअकैडमी पे 1 बजे जो क्लास होती है उसको बिल्कुल मिस ना करें, सारे क्वेश्चन आपके वहीं से बन रहा है, ठीक है। चलो आ जाइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर आप लोगों से पूछा गया कि बाइल जूस कहां से सीक्रेट होता है, तो सेम क्वेश्चन आप लोगों का वापस आ गया, तो ये आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है, मानव शरीर का पीएच कितना होता है, तो ह्यूमन बॉडी के पीएच का मतलब है दोस्तों ये ब्लड के पीएच की बात कर रहा है, और ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.3 से 7.4 ब्लड का पीएच होता है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय, मतलब ये जो हेपेटाइटिस ए होता है यह किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, तो दोस्तों यह डिजीज जो होती है, बीमारी, ये एक वायरस की वजह से होता है,
ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, और ये किसको इफेक्ट करता है, आपके यकृत को यानी आपके लीवर को अफेक्ट करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया कि डक्टिलिटी क्या होती है, तो दोस्तों अगर कोई भी आपके पास में एक रॉड है, अगर आप लोग इसको खींच के वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर किसी को खींच के आप लोग वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो इस गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। और अगर आप लोगों से पूछे डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है गोल्ड की, और गोल्ड के बाद में होती है सिल्वर की। अगर आप लोगों से पूछे मैलेबिलिटी क्या होती है, तो मैलेबिलिटी क्या होती है, अगर किसी मटेरियल को ठोक कर आप लोग उसको शीट में कन्वर्ट कर पा रहे हो, चादरों में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी भी किसकी होती है, आपकी गोल्ड की होती है, ठीक है। चले बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आप लोगों से दोस्तों देखो फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया आप लोगों का, URL का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन देख के जाना, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अभी अभी हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी फूल का मादा जनन अंग कौन सा होगा, आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन, ये आपका होता है दोस्तों मेल पार्ट यानी नर जनन अंग, ये आपका होता है नर जनन अंग। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों पिस्टिल की, या फिर इसको हम लोग दोस्तों कार्पेल भी बोल सकते हैं, ये आप लोगों का क्या होता है दोस्तों मादा जनन अंग होता है, क्या होता है आपका मादा जनन अंग। अब आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ध्यान से समझिए, आप लोगों को चार चीजें दी हुई थी कि इनमें से कौन सा मादा जनन अंग है ना, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो मादा जनन अंग है वो क्या होता है आपका पिस्टिल होता है, या फिर आप लोग इसको कार्पेल भी बोल सकते हैं। और इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है, ओवेरी आता है, ओव्यूल आता है। ओवेरी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अंडाशय, ठीक है, और ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं बीजांड, क्या बोलते हैं दोस्तों बीजांड, क्लियर है क्या। तो बस आप लोगों को ध्यान रखना स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल, ये आपके फीमेल पार्ट होते हैं, और इनको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं पिस्टल बोलते हैं, जबकि आपका जो स्टेमेन होता है ये नर जनन अंग होता है, और इसमें कितने दो पार्ट आते हैं, एंथर और एक फिलामेंट। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर्ड होता है, यानी जो डाटा संग्रह होता है, डाटा संग्रह होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है। ये क्वेश्चन आपका कल परसों भी पूछा गया था, किस में होता है, बाइनरी फॉर्मेट में होता है, याद आप लोग रखेंगे। आप लोगों से पूछा गया पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर आपका हो जाएगा दोस्तों अप्सरा, कौन सा हो जाएगा, यह आप लोगों का हो जाएगा अप्सरा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में पूछा गया स्टडी ऑफ वाटर एट रेस्ट, यानी आप लोगों का स्थैतिक जल है ना, स्थिर जल का अध्ययन क्या कहलाएगा ना, स्थिर जल का अध्ययन, तो स्थिर जल का अध्ययन आप लोगों का क्या कहलाता है दोस्तों, दो ऑप्शन हो सकते हैं आप लोगों के, या तो हाइड्रोस्टैटिक होगा, हाइड्रोस्टैटिक होगा, तो अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो दोनों में आप लोगों को देखना है, जो भी ऑप्शन मिले दोनों ही सही है। हाइड्रोलॉजी बेसिकली आपकी स्टडी ऑफ वाटर होती है, और आपकी हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ वाटर एट रेस्ट, यानी स्थिर जल का अध्ययन आपका कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक, है ना। तो दोनों में से एक ऑप्शन होगा, पहले आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द एसिड विच एंड प्रोड्यूस, यानी चींटी के द्वारा उत्पन्न अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है आप लोग, या फिर ये बोल सकते हो, तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। कौन सा पाया जाता है चींटी के डंक में, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड नहीं दिया था, आपको मैथेनोइक एसिड दिया था। तो ध्यान रखेंगे फॉर्मिक एसिड को हम लोग मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, मैथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो क्या हो, उसको और क्या बोलते हैं, तो जो
पहला नियम होता है दोस्तों, उसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, विच वन ऑफ दीज इज इनर्ट गैस, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है। चार आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल में ये जो 18वां ग्रुप होता है, ये सभी की सभी क्या होती है दोस्तों? इनर्ट होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, तो कौन सी इसमें से इनर्ट नहीं है दोस्तों? नाइट्रोजन। अच्छा, विच वन ऑफ दीज इज इनर्ट, अच्छा इनमें से इनर्ट कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्गन। कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये सभी की सभी इनर्ट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि कौन सा उत्तक फैट को, यानी फैट को कौन सा उत्तक एब्जॉर्ब करता है या स्टोर करता है या संग्रह करता है, फैट को कौन सा उत्तक संग्रह करता है बताइए। तो फैट जो स्टोर होता है वो कौन से टिश्यू में होता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, एडिपोज टिश्यू में होता है। कौन से टिश्यू में? एडिपोज टिश्यू, यानी एडिपोज उत्तक में आपका फैट स्टोर रहता है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया, इनमें से अलग बताइए, इनमें से अलग बताइए, अलग बताइए, अलग बताइए। तो चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोल्ड हो, सिल्वर हो, आयरन हो, ये तो आप लोगों के एलिमेंट होते हैं, जबकि आपका दोस्तों जो स्टील होता है वो एक आप लोगों का मिश्र धातु होता है। स्टील किससे मिलके बना होता है दोस्तों? ये आपके आयरन और कार्बन से मिलके बना होता है। क्लियर? आप लोग देख पा रहे हो कि पीरियोडिक टेबल में कोई बता सकता है कि स्टील कहां पर है? तो स्टील आप लोग ढूंढ सकते ही नहीं हो, क्योंकि यह आपका एक प्योर एलिमेंट नहीं है, यह दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। जबकि आपका गोल्ड देखो, ये रहा गोल्ड, कहा है आप लोगों का गोल्ड? आप लोगों का ये रहा। सिल्वर आप लोगों का ये रहा। और बताओ आयरन कहा है? आयरन आप लोगों का ये रहा। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप लोगों से पूछा गया इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ, यानी ब्लूटूथ का आविष्कार किसने करा। तो दोस्तों दो आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो आपका हो जाएगा नील्स रेडबैक और एक आपका हो जाएगा जेप हार्स्टेन। तो जो भी आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ था वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया, आमाशय को, यानी जो आपका स्टमक है, इसको HCl से कौन सी लेयर बचाती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आपका दोस्तों जो स्टमक होता है इसमें एक एसिड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं HCl एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आप लोग का जो स्टमक होता है इसके इनर सरफेस पे किसकी लेयर होती है? म्यूकस की लेयर होती है। किसकी होती है? म्यूकस की लेयर होती है, और ये म्यूकस की लेयर ही है जो आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये म्यूकस क्या होता है? तो सर्दियों में जबकि नाकों से जो निकलता है ना जुकाम में, उसी को हम लोग म्यूकस बोलते हैं। तो उसकी लेयर होती है, वही HCl से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर आप लोगों से पूछे कि HCl निकलता कौन सी सेल से है, कौन सी कोशिकाओं से है, तो दोस्तों पैरेटल या फिर आप लोग बोल सकते हो ऑक्सेंट्रिक सेल, इन सेल से ही, इन कोशिकाओं से ही क्या होता है दोस्तों? HCl निकलता है, HCl निकलता है। ठीक है, चलिए आप लोगों से नेक्स्ट, अंडाशय में क्या पाया जाता है? व्हाट डज ओवरी कंटेन, है ना? तो ये बात हो रही है दोस्तों आपके फ्लावर वाले पार्ट के। तो दोस्तों जो ओवेरी होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय, तो इसमें क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? ओव्यूल पाया जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बीजांड। तो जो ओवेरी है इसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? ओव्यूल पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। चलो दोस्तों, और यहीं पर दोस्तों ये आपका जो बीजांड है ना, इसी से क्या होता है? बीजों का निर्माण होता है। यहीं पर क्या होता है? बीजों का निर्माण होता है, सीड्स का फॉर्मेशन। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से अपना भोजन बनाने वाले जीव को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, जो भी प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, उसमें किस किस चीज़ की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। तो जो भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, यानी स्वपोषी। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं।
हिंदी में आप लोग क्या बोलोगे? स्वपोषी। समझ रहे हो? तो आपका फोटोसिंथेसिस कैसा होता है? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ों से आप लोग के प्लांट्स होते हैं वो वाटर लेते हैं, और किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। और ये ग्लूकोज ही क्या होता है? प्लांट का फूड होता है। समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है बताइए। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है दोस्तों? ऐसी डिवाइस जिसका यूज कंप्यूटर में डाटा भेजने के लिए होता है। और दोस्तों जिससे आप लोग कंप्यूटर से डाटा ले पाते हो उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आपका दोस्तों प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, सॉरी प्रिंटर नहीं, आपका स्कैनर हो गया, क्योंकि आप स्कैन करोगे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर कर रहे हो स्कैन करके। आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सारे के सारे इनपुट होते हैं, जबकि आउटपुट क्या होता है? जिससे आप लोग कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन ले पाते हो। जैसे आपका मॉनिटर हो गया दोस्तों, स्पीकर हो गया, हो सकता है स्पीकर से कुछ आप लोग सुन रहे हो, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर से कुछ प्रिंट होके आता ना, तो ये सभी के सभी आपके आउटपुट डिवाइस होती है। तो आई थिंक इसमें ऑप्शन में प्रिंटर दिया हुआ था, तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? मॉनिटर भी आप लोगों का एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने बता दिया क्या क्या आप लोगों का होता है। चलिए, नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया LIFO की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म होगी लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है अगली शिफ्टों में, FIFO की फुल फॉर्म, तो FIFO की क्या हो जाएगी दोस्तों? फर्स्ट आउट, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया न्यूरॉन किससे संकेत ग्रहण करता है? तो दोस्तों जो ये आपका न्यूरॉन होता है, ध्यान रखेंगे यहां पर आप लोग कुछ देख पा रहे होंगे, ऐसे ब्रांच टाइप का ऐसे कुछ निकल रहा है, देख पा रहे हो क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? डेंड्राइट्स। तो इन डेंड्राइट से ही न्यूरॉन क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है। और अगर आप लोगों को बोले कि सिग्नल को आगे ट्रांसमिट किससे करता है, आगे भेजता किससे है, तो दोस्तों ये वाला पार्ट कहलाता है एक्सॉन। तो एक्सॉन वाले पार्ट से न्यूरॉन क्या करता है? सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। और सिग्नल को रिसीव किससे करता है दोस्तों? डेंड्राइट से करता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर में यह नहीं होता। तो चार ऑप्शन थे, दो तो स्टूडेंट ने भेजे थे, एक तो स्पीड हो गया, एक एक्यूरेसी हो गया। तो स्पीड भी होता है, एक्यूरेसी भी होता है, तो वहां पर आप लोगों को एक देख सकते हो इजीली। चलो नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया दोस्तों फ्यूज के बारे में। तो फ्यूज के बारे में आप लोगों से पूछा गया था कि कौन सा ऐसा है निम्न में से जो हीटिंग इफेक्ट पे है ना, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है। हीटिंग इफेक्ट यानी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इनमें से कौन सा है जो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? तो वो आपका फ्यूज हो जाएगा। दोस्तों हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होती है तो इसमें क्या होती है? हीट डेवलप होती है। और हीट डेवलप का फॉर्मूला होता है आपका I² RT। समझ गए? जहां पर R क्या है? इस तार का प्रतिरोध है। T बता रहा है कितने समय के लिए आप लोग बात कर रहे हो। तो आपका जो फ्यूज होता है वो हीटिंग इफेक्ट पे ही क्या होता है? बेस्ड होता है। क्योंकि अगर हीट ज़्यादा होती है तो आपका फ्यूज क्या हो जाता है दोस्तों? ब्रेक हो जाता है, और सर्किट को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। क्लियर है क्या? जो फ्यूज वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है ना, तो ये किस पे बेस्ड होता है? हीटिंग इफेक्ट पे आप लोगों का बेस्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पादप की वृद्धि के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? ऐसे तो दोस्तों नाइट्रोजन भी है, पोटेशियम भी है आप लोगों का, ठीक है, तो अगर फास्फोरस भी है, लेकिन अगर एक ऑप्शन में आप लोगों को आंसर देना हो जो आपका था भी, वो आपका हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। और ये ही आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ था। चलते हैं आगे। सर वर्ड साइज थोड़ा बड़ा करो, ये छोटा लग रहा है आपको वर्ड साइज? अरे दोस्तों वर्ड साइज आपको छोटा लग रहा है क्या? बताओ बताइए, वर्ड साइज आपको छोटा लग रहा है? कुछ दिखाई नहीं देता। आकाश जी बोल रहे हैं कुछ दिखाई नहीं देता।
मतलब अब तो समझ में आ गया यार, यहाँ पर इतने बच्चे देख रहे हैं, सब बिल्कुल सही जवाब देते जा रहे हैं और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप लोग एक बार डॉक्टर को दिखाओ फिर तो, क्योंकि यार मेरे हिसाब से जो वर्ड का साइज है वो ठीक है, मतलब है ना, छोटा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, आप लोगों से पूछा गया बाइनरी फिजन के बारे में, क्वेश्चन में क्या पूछा गया मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव टूटकर दो नए जीव बन जाता है, समझ रहे हो, तो यह आपका कहलाता है दोस्तों बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन। तो देखो इसमें क्या होता है, आप लोग देख पा रहे हो ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ये देखो टूट के दो में कन्वर्ट हो पा रहा है ना, नहीं समझ में आया, और दिखाता हूं, देखो यहां पर देखो आप लोग, देखो यहां पर देखो, नहीं ये तो आपकी बडिंग है ना, ये तो आपकी बडिंग है। तो अगर हम लोग बात करें, देखो ये बाइनरी फिजन है, तो आप लोगों से अगर पूछा जाए बाइनरी फिजन होता किसमें है, तो दोस्तों अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, और अगर आप लोगों से पूछे और किसमें होता है, दोस्तों पैरामीसियम में भी क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। इसमें क्या होते हैं, ये टूट के दो पार्ट में बन जाते हैं और वो दो अलग अलग जीव बन जाते हैं। जैसे आप लोगों का एक बडिंग भी होता है, जैसे बाइनरी फिजन होता है ना, एक प्रोसेस और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बडिंग यानी मुकुलन। तो दोस्तों मुकुलन में क्या होता है, देखो यहां पर एक छोटा सा बड़ निकलेगा, फिर थोड़ा ग्रोथ कर करके ये अलग बन जाएगा, तो ये एक अलग जीव हो गया, ये एक अलग जीव हो गया। तो अगर आप लोगों से पूछे बडिंग किस में होता है, तो दोस्तों बडिंग आप लोग ध्यान रखोगे हाइड्रा में होता है और आपके यीस्ट में होता है बडिंग, और आप लोगों के बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में और पैरामीसियम में। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप लोगों से पूछा गया भोजन के पाचन में इनमें से कौन मदद करता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सलाइवा। क्यों, क्योंकि आपका जो सलाइवा होता है, लार होता है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलीन, और ये किसका पाचन करता है, आपके भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन करता है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, दोस्तों बोला गया कि अगर बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है तो ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग जो होगा वो क्या होगा, चार आपको ऑप्शंस दिए हुए थे कि ये एक रेप्टाइल होगा या फिर एक एम्फीबियन होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रिच क्या है, एक पक्षी है, एक दोस्तों बर्ड है, या फिर आप लोग बोल सकते हो एविज है, या फिर आप लोग बोल सकते हो एक बर्ड है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक बोला था अमीटर, एक दिया गैल्वेनोमीटर, एक दिया दोस्तों थर्मोमीटर, एक दिया आपका वोल्टमीटर। आप लोगों से पूछा गया व्हाट इज कॉमन इन दीज, इनमें क्या समान है, इनमें क्या समानता है, तो क्या समानता हो जाएगी दोस्तों, ये चारों किसी ना किसी को मेजर करने में इस्तेमाल करे जाते हैं। जैसे अमीटर की बात करें तो दोस्तों ये ज़्यादा अमाउंट का करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर कम अमाउंट का करंट मेजर करता है, साथ में डायरेक्शन भी बताता है, और दोस्तों थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है, वोल्टमीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर मापता है। तो ये सभी की सभी क्या है दोस्तों, मेजरिंग डिवाइस है, ये आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। मेजरिंग डिवाइस होती है सारी, ठीक है। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया कि जड़ों से पत्तियों तक पानी ले जाने के लिए कौन आवश्यक है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जो ये प्लांट्स होता है इसमें रूट से जड़ों से ऊपर क्या आता है, पानी आता है। तो दोस्तों पानी और जो आप लोगों के मिनरल्स होते हैं इसको जड़ों से ऊपर तक कौन लेकर आता है, यह लेकर आता है दोस्तों जाइलम। कौन लेकर आता है, जाइलम लेकर आता है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जो भी फोटोसिंथेसिस से फूड का निर्माण हुआ उस फूड को नीचे तक और पूरे प्लांट तक कौन लेकर जाएगा, तो दोस्तों वाटर को तो लेकर आता है आपके जाइलम, जबकि अगर बात करें फूड की तो इसको लेके आता है फ्लोएम। ओके ठीक है, चले नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया ओजोन में कितने परमाणु होते हैं,
तो O3 ओजोन में ध्यान रखेंगे दोस्तों, तीन एटम होते हैं, तीन परमाणु होते हैं। आप लोगों से पूछा गया ADSL की फुल फॉर्म, तो ADSL की फुल फॉर्म आप लोगों की हो जाएगी दोस्तों एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2.8.7 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 2, 8, 10, 7, 17 कुल इलेक्ट्रॉन 17 हो गए। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन 17 किसमें होते हैं, आपके क्लोरीन में होते हैं, है ना, क्लोरीन का ही तो एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया इनमें से कौन सा कार्बन का अपर रूप है, तो डायमंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड आप लोगों को दिया हुआ था, यानी हीरा आप लोगों को दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो बताने की जरूरत है क्या, पेपर ALU CPU लैंग्वेज, तो पेपर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वसन संबंधी रोग किससे होते हैं, आपके जल प्रदूषण से होते हैं, हवा प्रदूषण से होते हैं, मिट्टी के प्रदूषण से होता है, या ध्वनि प्रदूषण से होते हैं, तो यह आप लोगों के एयर पॉल्यूशन से होते हैं दोस्तों, किससे, वायु प्रदूषण से होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रेविटी डिस्कवरी फोन क्या, तो दोस्तों ग्रेविटी की क्या हुई, डिस्कवरी हुई, खोज हुई, लेकिन फोन का क्या हुआ, इन्वेंशन होता है, क्या होता है, इन्वेंशन होता है, आविष्कार होता है, ध्यान आप लोग रखेंगे। देखो डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस क्या है, डिस्कवरी का मतलब है दोस्तों कोई चीज़ को खोजना जो पहले से पाई जा रही है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन थोड़ी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने नहीं बनाया, इलेक्ट्रॉन पहले से पाया जाता था, बस हमने उसको खोजा है। लेकिन अगर हमने बात करी, मैंने एक ऐसी चीज़ बना दी जिसकी वजह से आप एक व्यक्ति यहां से दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकता है, जैसे फ़ोन, तो ये मेरे को मिला थोड़ी है, मैंने खोजा थोड़ी है, मैंने इसका आविष्कार करा है, मैंने इसका इन्वेंशन करा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो अगर हम लोग बात करें आपके हाउस फ्लाई की, यानी घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम आपका हो जाएगा दोस्तों म्यूस्का डोमेस्टिका, क्या हो जाएगा, म्यूस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया हाई टेम्परेचर किससे मापा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे पायरोमीटर से मापा जाता है, किससे मापा जाता है, पायरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नियॉन हीलियम सोडियम और आर्गन फाइंड डिफरेंट वन, इनमें से अलग बताओ, इनमें से अलग कौन सा है, बताइए इनमें से अलग कौन सा है, बताइए दोस्तों इनमें से अलग कौन सा है, बताइए। तो आप लोग सभी जानते हैं हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन, ये सारी की सारी इनर्ट गैसेस होती है, जबकि आपकी सोडियम आपकी इनर्ट गैस नहीं है, सोडियम तो एक आपका क्या होता है, मेटल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बैक्टीरिया, यानी जीवाणु की सबसे छोटी इकाई, जीवाणु की सबसे छोटी इकाई, दोस्तों ध्यान रखेंगे कोई भी आपका जीव होता है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है, कोशिका होती है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मास और वेलोसिटी आप लोगों को दिया हुआ था क्वेश्चन में, आप लोगों से मोमेंटम पूछा था, संवेग पूछा था, तो संवेग आप लोगों का क्या होता है, द्रव्यमान यानी मास इनटू वेग, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया व्हाट इज URL, URL क्या है, तो इस बार आपसे URL की फुल फॉर्म नहीं पूछी गई, पूछा गया URL होता क्या है। तो दोस्तों जब भी आप लोग, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग जो लैपटॉप पे देख रहे होंगे, तो आप लोग एक काम करेंगे वहां पर कंट्रोल L दबाएंगे, तो कंट्रोल L दबाने से दोस्तों ये ऊपर वाला ये जो एड्रेस होता है ना, ये पूरा का पूरा ये एड्रेस, ये क्या हो जाएगा, आपका हाईलाइट हो जाएगा, और ये जो भी पार्ट आपका हाईलाइट हुआ है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। तो URL क्या है दोस्तों, एक प्रकार का एड्रेस है, क्या है, एड्रेस है। चलिए आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बताइए निम्न में से किस पौधे का उपयोग हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, बताओ, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको ये खाना चाहिए, तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जामुन। अगर आप लोगों से बोले क्यों, क्योंकि जामुन में दोस्तों पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा होता है,
पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा होता है, और पोटेशियम क्या करता है आपकी बॉडी में सोडियम के अमाउंट को कंट्रोल करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर सोडियम का अमाउंट ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है दोस्तों, ज्यादा हो जाता है। इसलिए तो बोला जाता है जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको नमक नहीं खाना चाहिए। तो पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम का अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो ये सोडियम के अमाउंट को क्या कर देता है, कम कर देता है, ध्यान आप लोग रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से अम्ल और क्षार में क्या समानता है। बोथ आर बिटर इन टेस्ट, क्या दोनों स्वाद में कड़वे होते हैं, क्या दोनों स्वाद में कड़वे होते हैं, बिल्कुल गलत जवाब है, गलत है ये तो। क्यों, क्योंकि अम्ल तो खट्टे होते हैं और क्षार आपके कड़वे होते हैं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। क्या दोनों की पीएच 7 से कम होती है, क्या दोनों की पीएच 7 से कम होती है, क्या ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अम्ल की तो पीएच 7 से कम होती है जबकि क्षार की 7 से ज़्यादा होती है, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जब दोनों को जल से मिलाया जाता है, जब दोनों को जल में मिलाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप लोग वाटर में एसिड डालोगे तो हीट रिलीज होगी, बहुत ज़्यादा ऊष्मा क्या होगा, ऊष्मा का निष्कासन होगा, इस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। तो ये दोनों के साथ में ही होगा, एसिड के साथ में भी और बेस के साथ में भी। दोस्तों यार सेशन को लाइक करके चलो यार, ऐसे मत करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन में पूछा गया इन्वेंटर ऑफ www का आविष्कार किसने करा, तो www की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका जो इन्वेंशन करा, देखो ये क्वेश्चन आप लोगों से मैंने 1 बजे वाली क्लास में करवाया था, देखो सेम क्वेश्चन उठ के आया, ऐसे तो सारे क्वेश्चन लगे, कितने लगाए है ना। देखो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसके आविष्कार का श्रेय, देखो ये MCQ 25वें नंबर की क्लास खोलना, 25वें नंबर पे 28वें नंबर का क्वेश्चन था अपना, सेम क्वेश्चन उठ के आई है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, क्या हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। चलो आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों फोरट्रान की फुल फॉर्म क्या है, तो फोरट्रान की फुल फॉर्म होती है आप लोगों से फॉर्मूला ट्रांसलेशन। चलो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, संक्रामक रोग कौन सा होता है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोवा इनसे होने वाले रोग को हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग। तो इनमें से कौन सा संक्रामक नहीं है, आपका BP, ऐसा थोड़ी है एक व्यक्ति को BP, आप उसके साथ में बैठोगे तो आपको भी BP हो जाएगा, समझ लो, तो BP एक संक्रामक रोग नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनमें से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है, इनमें से वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, चार आपको ऑप्शंस दिए हुए थे। तो देखिए समझते हैं वॉलेटाइल मेमोरी होती क्या है और एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। दोस्तों वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, अगर आपने सिस्टम को बंद कर दिया, देखो तो दिस टाइप ऑफ मेमोरी लॉजेस ऑल ऑफ इट्स डाटा व्हेन द पावर सोर्स इज टर्न ऑफ, जैसे ही आप लोग पावर को अगर बंद कर दोगे तो सारा का सारा डाटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जबकि नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, पावर सोर्स बंद होने के बाद भी डाटा क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो आपकी जो रैम होती है, जो कैशे मेमोरी होती है, रजिस्टर होती है, ये सारी की सारी दोस्तों कैसी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो आप लोगों को चार ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से आई थिंक एक रैम दिया हुआ था या फिर कैशे दिया हुआ है ना, तो रैम और कैशे दोनों की दोनों कैसी होती है दोस्तों, आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पे, तो ग्लूकोज डैश टूटता है। तो देखो इस क्वेश्चन को अभी समझते हैं, देखो इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दो क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे ने ढंग से भेजा नहीं, लेकिन सेम क्वेश्चन आपका अगली वाली शिफ्ट में आया था तो उसका मेरे पे डाटा लिखा हुआ, अभी आगे क्वेश्चन आ जाएगा है ना, तो ये सारा मैं भी आपको बता दूंगा आगे, ठीक है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज इस वाले क्वेश्चन में ढंग से लिखी हुई नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, तो आप लोग सभी जानते हैं कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। किस गैस का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ना आप लोगों का। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है आप लोगों के लाइकेन से। चलो आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गति के नियम किसके द्वारा दिए गए? तो गति के जो तीन नियम है किसने दिए दोस्तों? न्यूटन ने दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह गैस का मुख्य कारण क्या है? देखिए आप लोग सभी जानते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, जो अर्थ के सराउंडिंग में हीट प्रोड्यूस करता है। क्या होता है ग्रीन हाउस गैस, आइए हम लोग समझते हैं। देखो जैसे ये आप लोगों की दोस्तों अर्थ है, ये सन है, तो सन से आने वाली जितने भी आप लोगों की रेज होती है ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, इनको ट्रैप कर लेती है। अगर ट्रैप कर लेगी तो अर्थ के सराउंडिंग में थोड़ा सा हीट रहेगा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? एनर्जी हो जाएगी। कैसे एनर्जी? क्योंकि आप लोगों को एनर्जी भी कौन सी? थर्मल एनर्जी। क्योंकि आपको पता है हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है इनमें बहुत ज़्यादा दोस्तों कोल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैस? आप लोग की कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और वाटर वेपर होती है। चले चलते हैं आगे। नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, मास दिया हुआ 28 किलोग्राम, द्रव्यमान दिया हुआ आप लोगों से, मोमेंटम पूछा। क्या पूछा? मोमेंटम आप लोगों से पूछा। तो क्या हो जाएगा मोमेंटम निकाल के बताओ? बताओ। चलिए तो क्या कर दो, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी कर दो सिंपली। मास कितना हो जाएगा? 28 इंटू 14 आप तो कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है आप लोगों का? 392। चलो 392 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया दोस्तों कोबोल की फुल फॉर्म, तो कोबोल की जो फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी हो जाएगी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चले आगे। चलो दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा गया, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर? कौन है? चार्ल्स बेबेज आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि कौन सी फंक्शन की का यूज एमएस एक्सेल में एडिटिंग के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा F2 का करा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोगों की ये एक्सेल शीट है, तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है, आप लोगों ने मान लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला बना रखा है कि इसको इससे गुना करके इससे भाग देना है, तो अगर आपको इसको सेल पे आओ F2 दबा दो, अब इस पर आप लोग एडिट कर सकते हो, है ना। तो F2 यूज होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या कहते हैं? तो जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जो वर्टिकल्स लाइन है टोटल कितनी है? 18 है। इनको क्या बोला जाता है आप लोगों का? ग्रुप बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है। टोटल ग्रुप कितने होते हैं? 18 होते हैं। चलो इनमें से कौन सा मिश्र धातु है, कौन सा अलॉय है? तो ब्रॉन्ज, टेन, आयरन, मरकरी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ब्रॉन्ज। ब्रॉन एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है, ठीक है। जबकि ये आप लोगों के एलिमेंट है, जैसे मैं बात करूं Hg मरकरी, देखो ये रहा 80 नंबर का, क्लियर। अगर हम लोग बात करें आयरन, ये रहा, मतलब ये किसी से मिलके नहीं बने हुए। जबकि आपका ब्रॉन्ज किससे मिलके बना होता है? सर यह आप लोगों के कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है, कॉपर और जिंक। कितना होता है कॉपर? होता है 70%, जिंक होता है 30%। तो अगर हम लोग बात करें, देखो, अच्छा किसकी बात करी? ब्रॉन्ज की कर रहा है ना दोस्तों। ब्रॉन्ज में आपका कॉपर और जिंक नहीं होगा, ब्रास में होगा, तो है ना, ब्रास में होगा। तो ब्रॉन्ज की बात करें, ब्रॉन्ज किससे मिलके बना होता है? तो आपको दिख रहा होगा ब्रॉन्ज की अगर हम लोग बात करें तो आपके तांबे और टिन से मिलके बना होता है ना, और आपका दोस्तों जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है, ठीक है। तो नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूं दोस्तों, जो आपका ब्रॉन्ज होता है ना, ब्रॉन्ज ये आपके कॉपर और टिन से मिलके बनता है। कितना होता है? 88% कॉपर और 12% आपका टिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है CPU का। देखो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया? रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब देखो इसमें आओ, श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है? तो दोस्तों ग्लूकोज परिवर्तित होता है आपके ATP में, और इसी से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जितने भी आप लोगों के कॉनकेव मिरर है उसके यूजेज क्या होंगे?
ट्रिक बता देता हूँ, हेलो दोस्तों, सुबह शाम ट्राई करो। तो हेलो से हो जाएगा दोस्तों गाड़ी की हेडलाइट हो जाएगी, गाड़ी की हेडलाइट हो जाएगी। दोस्तों से आपका हो जाएगा दोस्तों डेंटिस्ट, क्लियर। एस से आपका हो जाएगा दोस्तों शेविंग मिरर, एस से क्या हो जाएगा शेविंग मिरर हो जाएगा आपका। एस से क्या हो जाएगा जो भी सोलर आपके ओवन होते हैं, सोलर कुकर होते हैं। अगर बात करें टी से, तो टी से आपका हो जाएगा टॉर्च। तो इन सभी में कौन सा यूज होता है दोस्तों, कॉनकेव यूज होता है। तो डेंटिस्ट भी कौन सा करेगा, कॉनकेव करेगा, अवतल करेगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तारों के चमकने का कारण क्या है। तो इसका कारण होता है दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका कारण क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका रीजन होता है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करते हैं पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा कौन प्रदान करता है। तो आप लोगों को सभी को पता है कौन करता है दोस्तों, ओजोन लेयर करती है। कौन करता है, ओजोन लेयर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डैश इज अ ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनमें से ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन सा है। तो राइट आंसर आपका HTTP हो जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1 KB में क्या होता है। तो अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों 1 KB में क्या हो जाएगा, 1024 1024 byte आप लोगों के हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, तो जन्म के समय बात करें 300 होती है, लेकिन एडल्ट में कितनी होती है दोस्तों, 206 होती है ये आपके एडल्ट में। और ये कब है दोस्तों, जन्म के समय। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया छुई मुई का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। छुई मुई जानते हो ना आप लोग दोस्तों, हाथ लगाते हो ये बिल्कुल ऐसे सिमट सा जाता है। तो अगर छुई मुई के पौधे की बात करें, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेम प्लांट बोलते हैं, तो इसका जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मिमोसा प्यूडिका। क्या हो जाएगा दोस्तों, मिमोसा प्यूडिका इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया OCR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो OCR एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। तो देखो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप लोग के पास में कुछ पेज है ना, उसके ऊपर आप लोग ऐसे चलाते हो, उसको पेन टाइप का होता ही है। तो एक तरह से स्कैन करके किस पे ले आता है, ये कंप्यूटर पे स्कैन करके ले आता है। ठीक है, बताओ बताओ ठीक है। तो ये एक प्रकार के इनपुट डिवाइस होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपके ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया, देखो चार प्रकार के कार्बन पूछा गया था, कि मतलब चार प्रकार के कोयले दिए हुए थे, कि इनमें से मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन किसमें होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग कोयले के प्रकार। आप लोग जानते हैं दोस्तों लिग्नाइट भी होता है, बिटुमिनस भी होता है, एंथ्रेसाइट भी। सबसे ज़्यादा जो कार्बन होता है किसमें होता है, एंथ्रेसाइट में होता है। कितना होता है, 90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आप लोगों का एनाफिलीज होते हैं ये किस रोग के वाहक होते हैं। तो यह मलेरिया के वाहक होते हैं। ठीक है, आप लोगों को सभी को पता है मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और ये प्लाज्मोडियम किस में होते हैं, आप लोगों के एनाफिलीज में होते हैं। तो अगर ये आपको काट जाएंगे, प्लाज्मोडियम आपके बॉडी में एंटर कर जाएगा और आपको मलेरिया रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से मैटर की डेफिनेशन से कुछ रिलेटेड पूछा गया था। इसका मुझे एग्जैक्टली पता नहीं पड़ा, बस बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था सर मैटर डेफिनेशन करके कुछ आया था, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनमें से अलग की पहचान करिए, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ब्रास, गोल्ड, बताइए। तो वही चीज़ है, अभी अभी हमने देखा है कि दोस्तों जो आपका ब्रास होता है वो एक अलॉय होता है, वो एक अलॉय होता है, एक मिश्र धातु होती है। जबकि हमारे पास में बात करें एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये आपके एलिमेंट होते हैं। जैसे बात करूं, देखो ये रहा आप लोगों का एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम आप लोगों का ये रहा, अगर हम लोग बात करें सिल्वर की तो सिल्वर आप लोगों का ये रहा, और बात करें गोल्ड की तो गोल्ड आप लोगों का ये रहा। क्या कोई बता सकता है क्या कि इसमें ब्रास कहाँ पर है? नहीं बता सकते, क्योंकि ब्रास आप लोगों का एक एलिमेंट नहीं है, एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी, आइए देखते हैं। तो यह आप लोगों का हार्ट है, हार्ट क्या करता है दोस्तों, ब्लड को पंप करता है। तो सबसे बड़ी जो धमनी होती है दोस्तों वो ये होती है आप लोगों की ओरोटा, ये देख पा रहे हो ओरोटा है ना, और फिर ये आगे जाके अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। तो सबसे बड़ी जो होती है वो आप लोगों की होती है ओरोटा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं, ठीक है। ओरोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाता है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो यह आप लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों बैरोमीटर। क्या हो जाएगा? बैरोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया सीसा और टिन किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, लेड और टिन, अभी अभी बताया जल्दी से बताइए। तो देखो अभी अभी मैंने बताया था कि जो लेड, अच्छा लेड और टिन का नहीं बताया, तो बताओ कोई बता सकता है क्या? तो लेड और टिन निर्माण करते हैं दोस्तों सोल्डर का, किसका करते हैं, सोल्डर का, जिसको हिंदी में हम लोग टाका भी बोलते हैं। तो आपका जो सोल्डर होता है वो एक प्रकार का मिश्र धातु होता है, किससे मिलके बना होता है दोस्तों, लेड और टिन से, या लेड को हिंदी में बोला जाता है सीसा, तो सीसा और टिन से मिलके बनता है क्या, सोल्डर। तो देख लो अभी मैं बताता हूँ आपको सोल्डर का है, ये रहा। तो सोल्डर आप लोगों का किससे मिलके बना होता है, सोल्डर मिलके बना होता है लेड से और टिन से। लेड कितना पाया जाता है, 40 से 50%, टिन आपका 50 से 60%। चलो आगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से दोस्तों कार्डियोलॉजी आपका संबंधित है हार्ट से, तो नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित होगा, तो दोस्तों कार्डियोलॉजी हार्ट से संबंधित है, तो नेफ्रोलॉजी आप लोगों के किडनी से संबंधित होता है, स्टडी ऑफ किडनी को ही हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट पूछा जाता है किडनी की क्रियात्मक इकाई को, किडनी की दोस्तों जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, वो क्या कहलाती है आप लोगों की, नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाटा को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है बताइए, डाटा को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करा जाता है, कमेंट करके बताइए। बताए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एफटीपी है ना, राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुविक अम्ल मांसपेशियों में किस में टूट जाता है, तो आपको पता है दोस्तों सभी कि जो पाइरुविक एसिड होता है, चलो इसकी पूरी की पूरी मैं आप लोगों को कहानी बताता हूँ, देखो इधर आओ, देखो आप लोगों की बॉडी में जब भी आप लोग खाना खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है, पूरा पाचन हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है दोस्तों, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ये प्रोसेस कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। क्या होता है ये प्रोसेस, तो इस प्रोसेस से जो ग्लूकोज होता है वो किस में टूट जाता है, पाइरुविट में टूट जाता है, या फिर आप लोग इसको पाइरुविक एसिड भी बोल सकते हो। अब दो ऑप्शन है, अगर ऑफिशन मतलब ऑक्सीजन आप लोगों के पास में प्रेजेंट है तो इसका कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जो आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एनएरोबिक यानी अवायवीय श्वसन होता है। तो दोस्तों अवायवीय श्वसन से जो आपका पाइरुविट या पाइरुविक एसिड किस में टूट जाता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, और इसी की वजह से आप लोगों के मसल्स में पेन होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, आप लोगों के प्लांट के लिए नाइट्रोजन क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो इसको सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो आप लोगों के दोस्तों कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देते हैं और अब आप लोगों के प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, जो आपका नील हरित शैवाल हो जाएगा यानी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, एक तो यह करता है, मैं बताता हूँ कौन कौन कर देता है, और इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। दोस्तों कुछ लाइकेन करते हैं जैसे लोबेरिया पैटिकेरा, और दोस्तों कुछ आप लोग के बैक्टीरिया करते हैं जैसे आपका राइजोबियम, तो ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ था राइजोबियम, तो यह आपका क्या करता है दोस्तों, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये राइजोबियम कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, ये दाल की पौधों के जड़ों में पाया जाता है, दाल की पौधों के जड़ों में पाया जाता है, जड़ों में। इसके अलावा और कौन कौन करते हैं, आपके नील हरित शैवाल भी करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था जीभ में किस प्रकार की रिसेप्टर कोशिकाएं होती है, मतलब टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए किस प्रकार की सेल पाई जाती है, तो दोस्तों इन सेल को बोला जाता है गुस्टेटरी सेल्स। क्या बोला जाता है, गुस्टेटरी सेल्स, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, कौन सी सेल बोला जाता है इनको, गिस्टेटरी सेल्स इनको बोला जाता है, जो कि क्या करती है, स्वाद को डिटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कोबोल की फुल फॉर्म देखो वापस रिपीट हो गया ना, तो आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ ये सेशन जिससे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो देख के जाए एक बार। तो कोबोल की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलो आगे हम लोग करते हैं दोस्तों, जो मिनी माटा डिजीज होती है ये किससे होती है, तो दोस्तों ये पानी में मरकरी से होती है, पारे से होती है, किससे होती है, पारे से होती है दोस्तों, ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दूरी से संबंधित नहीं है, दूरी से संबंधित नहीं है बताइए, तो दोस्तों ग्राम किलोग्राम पाउंड माइल नहीं, ये होगा विच इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, इनमें से कौन सा दूरी से दूरी से संबंधित नहीं है, हाँ सही है, पहले सही लिखा था, ठीक है, तो कौन सा दूरी से संबंधित नहीं है, नहीं 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 दोस्तों क्वेश्चन ये होगा आप लोगों का कि इनमें से विच इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, इसमें से दूरी से संबंधित कौन है, तो ग्राम तो आप लोगों का दोस्तों द्रव्यमान से संबंधित है, किलोग्राम भी द्रव्यमान से, पाउंड भी द्रव्यमान से है, दोस्तों जो माइल है ये आप लोगों का दूरी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, इनमें से कौन सा प्लांट किंगडम से जुड़ा हुआ नहीं है, तो अभी मैंने बताया थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म, ये सभी एक प्रकार के प्लांट होते हैं, तो ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, कुछ आप लोगों को एक एनिमल का एग्जाम्पल दे दिया होगा, वो आप लोगों का प्लांट नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ब्लड इज डैश टिश्यू, तो ब्लड किस तरह का टिश्यू है, तो ब्लड आप लोगों का दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव यानी संयोजी उत्तक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है आप लोग सभी जानते हो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, तो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो कहाँ से होती है, आइए समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का एक एलिमेंट है, तो इसके बाह्यतम कोश में मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए कोई दूसरा एलिमेंट है, इसके बाह्यतम कोश में कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना अष्टक पूरा नहीं है, इसका भी पूरा नहीं है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो कहाँ से होती है दोस्तों, आउटर सेल से होती है, कहाँ से होती है, आपको चार ऑप्शन दिए हुए थे कहाँ से होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, आउटर सेल से होती है, इनर सेल से होती है, तो यह होती है दोस्तों आउटर सेल से, कहाँ से, आउटर सेल से यानी बाह्य कोश से, ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, तो चार आप लोगों को ऑप्शंस दिए हुए थे दोस्तों, एक ऑप्शन आपका ट्विटर भी था, आप लोगों को पता है ट्विटर एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बत्ती में केरोसिन किस प्रक्रिया से ऊपर आता है, तो बत्ती में केरोसिन ऊपर आ जाता है ना आप लोगों का, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन यानी कैपिलरी एक्शन, ठीक है, यानी केशिकात्व क्रिया, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं केशिकात्व क्रिया, इसकी वजह से आप लोगों का केरोसिन बत्ती में ऊपर आता है। चले आगे,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जनरेटर का, तो जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गन्ना रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा से बनाता है, चार आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए थे, एक दिया हुआ था दोस्तों सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, एक आपको दिया हुआ था विंड एनर्जी, तो आप लोग मुझे खुद बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोलर एनर्जी। देखिए गन्ना रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा कैसे बना रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो गन्ना है इससे क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, और इस इथेनॉल का इस्तेमाल किस में किया जाता है, एज अ फ्यूल करा जाता है, आप लोगों के फ्यूल के रूप में किया जाता है, तो फ्यूल से आपको केमिकल एनर्जी मिलेगी ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से गन्ने से रासायनिक ऊर्जा मिल रही है। अब लेकिन गन्ने के पास में वो एनर्जी आई कहाँ से, ऑब्वियसली बात है इसने फोटोसिंथेसिस करा होगा, जिसकी वजह से दोस्तों इसने अपना फूड बनाया होगा, तो इसको कहाँ से एनर्जी मिली, सोलर एनर्जी से दोस्तों, सौर ऊर्जा से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पूछा गया कि एडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है, बताइए जल्दी से, तो एडीज से कौन सा रोग होता है, जरा बताइए जल्दी से। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो जीका वायरस होता है ना, और आप लोगों का जो चिकनगुनिया होता है, वो सभी आप लोगों का ये किससे फैलता है, आप लोगों का एडीज मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करते हैं रक्त के थक्के में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण होता है, तो रक्त के थक्के के लिए दोस्तों विटामिन के आपका इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि किससे मिलता है, आप लोगों को हरी सब्जियों से मिलता है। चलो आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, तो चार आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए थे कि भैया सी होगा या MN होगा या MG होगा, क्या होगा, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है दोस्तों MG। देखो 12 नंबर का आप लोगों को कहां पर दिख रहा है, 12वें नंबर का ये, तो देखो मैग्नीशियम का सिंबल क्या रहता है दोस्तों, MG होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि जो विटीकल्चर है ये किससे रिलेटेड है, तो विटीकल्चर आप लोगों का होता है दोस्तों अंगूर की खेती, क्या होता है, अंगूर की खेती ही आपकी क्या कहलाती है, विटीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयरेंस ऑफ वाटर इन डेजर्ट, यानी आप लोगों को ऐसा लगता है ना रेगिस्तान में पानी का एहसास होता है ना कि वहां पर पानी है, रेगिस्तान में जो पानी का आप लोगों को एहसास होता है, जैसे गर्मियों के दिनों में भी आप लोगों को देखते होंगे रोड पे लगता है वहां पर पानी है, वह रियल में होता नहीं है, तो ये जो आप लोगों का इफेक्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मिराज इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग मृग मरीची का भी बोला जाता है, समझ में आ गया। और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों फोरट्रेन की फुल फॉर्म, देखो फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो उसका हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया PSLV की फुल फॉर्म, तो PSLV की फुल फॉर्म हो जाएगी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, बोला गया कि मरकरी थर्मोमीटर का आविष्कार किसने करा, जो मरकरी थर्मोमीटर है इसका आविष्कार किसने करा, तो इसका इन्वेंशन दोस्तों किसने करा, फेरेनहाइट ने करा, किसने, फेरेनहाइट ने, तो पूरा नाम याद रखेंगे डेनियल गैब्रियल फेरेनहाइट, इन्होंने ही क्या करा था, थर्मोमीटर का इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में ही है, मैं आपको बताता हूँ, बोला जा रहा है कि दोस्तों जो आपकी छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत, तो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर अंगुलीनुमा उभार होते हैं, अंगुलीनुमा उभार होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, अंगुलीनुमा उभार होते हैं, उभार, इसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये आप लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, तो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन ना, इसमें अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, उभार होते हैं, ऐसे उभार होते हैं, ऐसे उभार होते हैं, तो इन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, देखिए इस प्रकार के, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों विलाई, इनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, विलाई बोलते हैं, ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया है कि जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल
इसमें कितने कार्बन के परमाणु होते हैं? लैक्टिक अम्ल में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं आप लोगों को बताना है। तो लैक्टिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C3H6O3। तो कार्बन के कितने परमाणु हैं दोस्तों? 3 परमाणु हैं। क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लांट्स विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दोस्तों ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे जिनमें गुप्त जनन अंग होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऐसे प्लांट आपके कहलाते हैं दोस्तों क्रिप्टोगेमिया। कौन से कहलाते हैं दोस्तों? क्रिप्टोगेमिया कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? क्रिप्टोगेमिया कहलाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों से दोस्तों रिप्रोडक्टिव मतलब आपके हिडन रिप्रोडक्शन ऑर्गन के बारे में पूछ ले, यानी दोस्तों गुप्त जनन अंग कौन से होते हैं, तो गुप्त जनन अंग जो होते हैं वो एक तो होता है दोस्तों एंथ्रिडियम, एक होता है एर्किजोनियम। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें आप लोगों का हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, आपके गुप्त जनन अंग होते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे क्रिप्टोगेमिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। आप लोगों से पूछा गया कि एनिमल बिहेवियर की स्टडी क्या कहलाती है? जंतु व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से बताते जाए, जंतु व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह आप लोगों के कहलाता है दोस्तों एथोलॉजी। क्या कहलाता है? एथोलॉजी कहलाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि W3C किसके लिए स्टैंड करता है, यानी आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बतानी है, या फिर आप लोगों को W3C की जगह WWWCVA बोल सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आप लोगों की वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसकी फुल फॉर्म होती है W3C की। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बताइए, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 2-3 दे रखी थी, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। ये एक बेसिकली इंटरफेस होता है किसके बीच का? यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का। ठीक है, तो 2-4 लैंग्वेज दे रखी थी, तो आप लोग ये देख के जाना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के दोस्तों एग्जांपल्स भी ध्यान रखिए। विंडोज XP हो गया, 2000 हो गया, विंडोज 7, ये सभी के सभी किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गया था कि शर्करा को अल्कोहल में बदलने की विधि को क्या बोलते हैं? शर्करा को अल्कोहल में बदलने की मेथड को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं किण्वन। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप लोगों से पूछा गया था एमएस एक्सेल में राइट सेल पे जाने के लिए आप लोग क्या दबाओगे? तो जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में टेबल है, तो एक सेल ये हो गई, 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 तो एक सेल से राइट में जाने के लिए आप लोग क्या दबाते हो दोस्तों? टैब दबाते हो। क्या दबाते हो दोस्तों? टैब आप लोग दबाते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रख ले क्या? तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको कल करवा दूं, बताओ, या आज ही करवा दूं? एक ही वीडियो में खींच दो, पूरा खींच देते हैं यार, एक ही ज़्यादा नहीं बचे, जल्दी जल्दी खींच देते हैं ना, 20 मिनट में कर देता हूँ पूरा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था विच प्रोटोकॉल, एक बार इसको छोड़ो, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर जनरेशन, मतलब ऐसी कौन सी कंप्यूटर जनरेशन है, कंप्यूटर की पीढ़ी है जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है, निर्वात नली का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये आप लोगों के जो कंप्यूटर थे वो कौन से थे? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। कौन से कंप्यूटर थे? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन किस पे डिपेंड करता है? तो दोस्तों अपवर्तन डिपेंड करता है डेंसिटी पर। किस पे? डेंसिटी पर, क्योंकि दोस्तों हर माध्यम की डेंसिटी अलग अलग होती है, इसी वजह से दोस्तों प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाता है तो वो मुड़ जाता है। किसके कारण? डेंसिटी के कारण, घनत्व के कारण। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, तो दोस्तों ये आप लोग का जो मिरर है इसके मिड पॉइंट को बोला जाता है पोल यानी ध्रुव, इसको बोला जाता है। चलो आगे, बोला जाता है स्टडी ऑफ प्लांट ग्रोथ, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं आया था, ये गलत टाइप हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया था प्लांट ग्रोथ किससे मापी जाती है? जो प्लांट ग्रोथ होती है ना
वो किससे मेजर करी जाती है, किससे मापी जाती है? तो दोस्तों प्लांट ग्रोथ जो मेजर करी जाती है वो ऑक्सीनोमीटर से मेजर करी जाती है। आप लोग बोलेंगे सर याद कैसे करें, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्लांट में एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिन, जो कि ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑक्सिन से याद रखिए दोस्तों ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ मेजर करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय, आपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, फिर वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आइंस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया सी प्लस प्लस वाज डेवलप इन विच ईयर, जो सी प्लस प्लस थे वो कौन सी ईयर में आप लोगों का डेवलप्ड हुआ? तो ये आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों 1980। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थियोफ्रेस्टस किसके फादर है, किसके जनक बोला जाता है थियोफ्रेस्टस किसके फादर है? तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों एरिस्टोटल, तो ये तो आपके हो जाएंगे फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक, तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस किसके जनक है? वनस्पति विज्ञान के, बॉटनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बायोगैस में अधिक भाग किसका होता है, अधिक भाग किसका होता है, किसका होता है जरा बताइए। तो अगर बायोगैस की बात करें तो दोस्तों बायोगैस में मीथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन सल्फाइड भी, ऑक्सीजन भी। तो सबसे ज्यादा आपकी होती है मीथेन 50 से 75%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताया, पदार्थ की प्रकृति के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया, किस साइंटिस्ट ने? तो दोस्तों ये बताया दोस्तों डी ब्रोगली ने। क्या बताया? डी ब्रोगली ने बताया कि कोई मैटर होता है तो वो आपका दोस्तों वेव की तरह भी क्या करता है, बिहेव करता है। तो डी ब्रोगली ने बताया। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कौन सा उपकरण कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन वर्क करता है? तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया जनरेटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस यानी लेंस के शक्ति का मात्रक, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। नेक्स्ट आप लोगों से ASCII की फुल फॉर्म, तो ये आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन विच फॉर्म या इन विच फॉर्मेट कंप्यूटर स्टोर डाटा, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी फॉर्मेट में क्या करता है? स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का आप लोगों को मात्रक बताना है, तो यह आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों एम्पियर। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेल एनर्जी होती है यानी कोशिका की जो ऊर्जा होती है, कोशिका ऊर्जा, यह किसमें मापी जाती है दोस्तों? यह आप लोगों का एटीपी में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्ड सी ट्री को क्या बोलेंगे यानी बिना आवरण के, बिना आवरण के बीज वाले पौधे, बिना आवरण के बीज वाले पौधे, मतलब ऐसे प्लांट जिनमें बीज तो होते हैं लेकिन इन बीज पे कोई कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं बिना बीज वाले पौधे को तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमिया, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिफाइटा, इनमें तो बीज होता ही नहीं है, और जिनमें बीज होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं फेनेरोगेमिया। तो अगर दोस्तों इनके बीज पर कोई कवरिंग नहीं है तो इनको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, इसको हम लोग नग्न बीजी भी बोलते हैं क्योंकि इनके बीज पे कोई भी कवरिंग नहीं होती। तो नेक्ड सीड ट्री कौन से हो जाएंगे आप लोगों के? जिम्नोस्पर्म हो जाएंगे, अनावृत बीज हो जाएंगे, इनके बीज पे कोई भी कवरिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया टिल नाउ, टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने इंडिया में? तो अगर हम लोग बात करें रनिंग में, जो अभी रनिंग में है वो कितने हैं दोस्तों? 7 है, मतलब जो ऑपरेशनल है, जो अभी कार्य कर रहे हैं, जो रनिंग में है वो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 7 हो जाएंगे, रनिंग का पूछा गया था, टोटल हो जाएंगे 7। अगर हम लोग बात करें सोनार की फुल फॉर्म, तो सोनार की फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चले ओके,
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला। तो दोस्तों ये मिला जे जे थॉमसन को। किसको मिला? जे जे थॉमसन को अवार्ड मिला नोबेल पुरस्कार इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करता है? तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें मेटल की यानी धातु की, तो ये तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है? राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पूछता विद्युत ऋणात्मकता, तब आप लोगों का आंसर क्या होता, फ्लोरीन होता। क्लियर। चलो नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया डैश इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो आई थिंक शायद ऑप्शन में OCR दिया हुआ था, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन मैंने अभी अभी बताया, जो OCR होती है वो एक इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोशिका का कौन सा अंग वेस्ट सब्सटेंस को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लाइसोसोम। ये क्या करता है? लाइसोसोम होता है जो कोशिका में जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है उनको नष्ट करता है। क्वेश्चन पूछा गया मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि किसको बोला जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिज इन सॉफ्ट ड्रिंक, यानी जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक होती है ना, तो उसमें जो फिज होती है, अब ये फिज क्या होता है आप लोग दोस्तों जैसे ही देखोगे सॉफ्ट ड्रिंक में ऐसे थोड़े बुलबुले टाइप का आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फिज। तो ये कौन से आप लोगों के एसिड की वजह से होता है? यह कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। किसकी वजह से होता है? कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है, कार्बोनिक अम्ल की वजह से होता है। TCP IP की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसको कौन सा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है? तो किडनी फेल वालों की दोस्तों क्या होती है, डायलिसिस होती है। क्या होती है? डायलिसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, चार ऑप्शन दिया हुआ था, इनमें से डोमेन का नाम कौन सा है? तो डोमेन आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा URL है दोस्तों, इसमें जो आगे लिखा होता है ये होता है आप लोगों का प्रोटोकॉल दोस्तों। इसको www ये होता है, इसको बोलता है सब डोमेन। और यहाँ पर जो होता है ना, जैसे अभी आपने अनअकैडमी खोल रखा है, तो वो आपका डोमेन हो जाएगा, ये आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट में करा दूंगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं डेली शाम को 7 बजे, ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन बाकी PDF में दे दूंगा, टेंशन आप लोग मत रखना, यहीं से आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर एनवायरनमेंट डेली 1 PM पे होती है। इस क्लास के लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा और आप लोगों को यहाँ पर रैंक भी मिलती है। ठीक है, तो मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए, स्पेशल क्लासेज में आपको सारी क्लास दिख जाएगी। अगर आप लोग नए यूजर हो तो पहले आप लोगों से कोड पूछा जाता है, कोड आप लोग डाल दीजिए Neeraj11 डाल के आप लोग अनलॉक कर दीजिए। ठीक है, ऐसा रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन का आंसर पैरेलल में इतना आ रहा है, अरे इधर आओ, लो भैया पैरेलल में जोड़ो, लो 1/r = 1/r1 + 1/r2 ऐसा आएगा ना, तो 1/1/4 + 1+1/4, तो दोस्तों ये 1/1/4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा, तो 1/r = आपका आ रहा है 16, r = आपका आएगा 1/16, तो भैया 1 ज़्यादा होता ही है 1/16, खुद बताओ आप। ठीक है, और दोस्तों आप लोग 11 जनवरी से स्टार्ट हुए सभी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों के दोस्तों CGL भी स्टार्ट हो चुका है, CGLB और CET का भी, तो ये सारे कोर्स आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। SSC एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करिए दोस्तों, 24 महीने का ये 7200 का है, रेफरल कोड डाल देंगे Neeraj11, तो ये आपका 6480 रुपये का पड़ जाएगा। अगर आप लोग कॉम्बो चाहते हो SSC बैंक रेलवे का, तो 14450 का है, रेफरल कोड Neeraj11 लगाने के बाद में 13005 का ये पड़ जाएगा। ठीक है, ओके, तो कल इसी का ही एक नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को कल ले आऊंगा ना, सुबह 9:30 बजे, इसी का ही Part 2। चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं 1 PM अनअकैडमी वाली क्लास पे। बाय बाय।